हेलो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में। संडे को मॉर्निंग 5 बजे में मुंबई में एक्टर सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर गन शूट का साउंड हुआ था, जो कि रिपोर्ट के अनुसार दो लोगों ने तेजी से भागने से पहले हवा में कई राउंड का गोलियां चलाई थी। और न्यूज 18 ने भी ये ट्वीट किए हैं, हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज, फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्टेड आउटसाइड, हैशटैग बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाउस इन द मॉर्निंग, टू पीपल कवर मोटरसाइकिल एज पर इनिशियल रिपोर्ट न्यूज 18। आज सुबह एक बड़ी घटना को अंजाम दिया हमलावरों ने, यानी उनके घर के ऊपर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर कई राउंड की फायरिंग। शुरुआती वक्त की जानकारी ये है कि दो हमलावर आते हैं, कई राउंड्स की फायरिंग करते हैं और निशाना सीधे सीधे रहता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि सलमान खान का घर है, जहां पे वो अपने पूरे परिवार के साथ। ये हादसे के बाद सलमान खान के फादर सलीम खान ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, देयर इज नथिंग टू टेल, देयर इज जस्ट वांट टू पब्लिसिटी, देयर इज नो नीड टू वरी। और ये बात भी सामने आ रहा है, ये फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी है। ये बात भी आ रहा है कि इस हमले में रोहित गोदार के भी हाथ हो सकती है, जो कि राजस्थान में बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। चलिए गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जोर से प्रेस कर लेना। टिल देन बाय एंड टेक केयर।